अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एम के एन सुंदरम जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 928 स्थलों पर जहां पर पीएम श्री स्कूल के शुभारंभ का एक कार्यक्रम आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, वहां से भी जुड़े हुए सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक और प्रधानाचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस समय कोरोना जैसी महामारी से भारत के 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही भारत नए भारत के रूप में उसकी आधारशिला शिक्षा बनेगी और शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी और उसी श्रृंखला का हिस्सा है पीएम श्री स्कूल की यह योजना। पीएम श्री स्कूल की योजना प्रधानमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की थी और अभी इसकी कार्य योजना अक्सर होता है घोषणा होने के बाद फिर वह क्रियान्वित होने में उसको साल दो साल लग ही जाते हैं, लेकिन मैं आभारी हूं माननीय धर्मेंद्र जी का कि वह आज अपनी पूरी टीम के साथ देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि लगभग 5 करोड़ बच्चे हमारे यहां पे स्कूली शिक्षा में से जुड़े हुए हैं। इन 5 करोड़ बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए और प्रेम श्री स्कूल की यह योजना लॉन्च करने के लिए आज यहां पर आए हैं, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा पीएम श्री विद्यालयों में आईटीसी लैब्स के, स्मार्ट क्लास के, डिजिटल लाइब्रेरी के, बालिवाटिका यूनिट के अतिरिक्त कक्ष निर्माण का, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, साइंस लाइब्रेरी और वहां के फर्नीचर आदि की व्यवस्था के कार्यक्रम के साथ ही स्पोर्ट्स ग्रांट, इन सभी को यहां पे आज प्रदान करके 928 यानी जो 1753 विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर चयनित हुए हैं, प्रथम चरण में इस वर्ष 928 ऐसे विद्यालयों का उत्तर प्रदेश के अंदर चयन किया गया है जिन्हें अब हम अपग्रेड करते हुए इन्हें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम करेंगे और इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए नियुक्त करते हुए एक इंटीग्रेटेड कैंपस स्कूली शिक्षा का हम प्रदान कर पाएंगे। यह हमेशा एक प्रश्न रहा है क्योंकि 2017 में जब हम लोग आए थे ये प्रश्न हम सबके सामने था कि गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ता है जहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे ना शिक्षक है, जहां पे ना कनेक्टिविटी है और जहां पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी थी और ये प्रश्न उस समय हमारे दिमाग में भी कौंधता था, हम लोग भी देखते थे कितनी दुर्व्यवस्था थी। जिस जिले में जाते थे एक प्रश्न उठता था कि साहब अगले सत्र तक ये विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं। देखिए चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा थोड़ा पढ़ लिखे, उस प्रकार का व्यवस्था देखना चाहता है, लेकिन जब उसको दिखाई नहीं देता था तो वह जहां कहीं भी लगता था वहां
अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हमारे जितने भी विद्यालय हैं, इनमें से हम 96% विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन्हें सुदृढ़ीकरण कर चुके हैं। और सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही यानी इसकी अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अतिरिक्त कक्ष बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी वहां हम दे चुके हैं। और इसमें सरकार ने अपने पास से पैसा नहीं दिया है, बल्कि इसमें हमने ज्यादा पैसा जन सहभागिता से लिए, कुछ जनप्रतिनिधियों ने, कुछ उद्यमियों ने, कुछ प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कुछ पूर्व पुरातन छात्रों ने धनराशि दे करके उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ने का काम किया। स्कूली शिक्षा में बच्चे जाएं, ड्रॉप आउट रेट को हम नियंत्रित कर सके, इसके लिए भी कुछ नए प्रयास किए। हमने 2017 में जुलाई मास में यह प्रारंभ किया कि 15 दिन का एक पक्ष का हम लोग स्कूल चलो अभियान चलाएंगे। इसमें हर शिक्षक, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग का अधिकारी इस अभियान के साथ जुड़ा, और इसी का परिणाम है कि जब हमने गत वर्ष ये कहा कि भाई देखो अब बहुत हो चुका है, हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सही संख्या चाहिए और इन्हें आधार से ऑथेंटिकेट करने की व्यवस्था करिए, इस सब के बावजूद मैं कह सकता हूं कि 40 लाख बच्चों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हुई। और फिर हम लोग जब जाते थे अलग 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 जनपदों में जाते थे, हम लोग देखते थे बच्चे बालक खासतौर पर बालिकाओं की संख्या ऐसी ज्यादा थी जो नंगे पैर स्कूल जाते थे। इस भीषण शीतलहरी में एक सामान्य शर्ट पहनकर के स्कूल जाती थी, उन्हें समय पे बैग बुक्स नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने फिर तय किया कि सब कार्य सरकार करेगी। चैलेंज था हमारे सामने कि कैसे होगा, हम एक साथ इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के चले, 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हो, प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम हो, प्रदेश के अंदर हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग बुक्स स्वेटर्स सूट सॉक्स बुक्स और बैग वगैरह हम उपलब्ध करवाएंगे। और आज उसका परिणाम है कि अब हम लोगों ने इसकी धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ कर दिया है। और यहीं पे हम लोग जुलाई मास अप्रैल मास में ही सत्र प्रारंभ होते ही डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों के अभिभावक के खाते में उस धनराशि को भेजने का काम करते हैं। और उन सभी बच्चे अब हर विभाग अपने बच्चे के लिए स्वयं अपनी पसंद के अनुरूप यूनिफॉर्म खरीदे। यह एक कार्यक्रम एक पक्ष शिक्षा का था, यह बेसिक शिक्षा में और पीएम श्री स्कूल तो एक अभिनव प्रयोग है, एक नया प्रयास है और जिसकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने इसका एक प्रयोग यहां पे किया है, वह किया है जिसमें अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिकों के बच्चों के लिए या कोरोना काल खंड में जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खोए हैं उन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। पहले चरण में हमने 18 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए हैं जिनका भी पिछले दिनों ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया है। लगभग 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में हमने वहां पे विद्यालय के भवन बनाए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी वहां उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिए खेल का मैदान भी दिया है, उनके लिए अत्याधुनिक लैब्स बनाई हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी वहां तैयार की है और
चयन की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ते हुए जब इस कार्यक्रम को देखा, उसके पहले 3 महीनों के परिणाम को हम लोगों ने जब देखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो वे स्वयं अभिभूत थे कि वास्तव में ये परिणाम आने चाहिए, ये अपेक्षा होनी भी चाहिए और ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 57 जनपदों में इसी तर्ज पर इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ करने की कार्रवाई की है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोग पहले से ही तैयार कर चुके हैं। जो राशि इसी सत्र में हम लोग उन सभी जनपदों के लिए तैयार करने जा रहे हैं। आज एक पीएम श्री स्कूल की जो योजना है, इस योजना के साथ हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों को भी ये कवर करते हैं, और जब ये 1723 विद्यालय एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय भी ये सब इसके दायरे में आएंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जुड़ी हुई जो सफलतम कहानी है वह आपके सामने है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना कालखंड में हम लोगों के सामने था कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कोचिंग करने के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर जाना होता था, और उस समय जब लॉकडाउन लगा हर अभिभावक कहता था हमारे बच्चों को वापस बुलाओ। खैर, उस समय उन बच्चों को सकुशल वापस बुलाने में डबल इंजन की सरकार ने अपना योगदान दिया, वे सभी बच्चे सकुशल आए। हम लोगों ने तब कहा था टेक्नोलॉजी हो चुकी आ चुकी है, इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी हर जनपद में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कोई भी बालक और बालिका नीट की, IIT JEE की, NDA की, CDS की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की या UPSC की तैयारी के लिए इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। अच्छी फैकल्टी को हमने उनके साथ जोड़ा है, और इसके साथ ही हमारे जो प्रशिक्षु IAS होते हैं, IPS होते हैं, PCS होते हैं, PPS होते हैं, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से निकले हुए जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उसे पास किया है, उन सबको हम अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपको एक क्लास जरूर लेनी है, उन बच्चों के लिए 1 घंटा जरूर दीजिए, और 1 घंटा प्रतिदिन आप देंगे। बहुत सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, और यूपी के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे वो UPSC की किसी भी परीक्षा का हो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या नीट या IIT JEE का हो, इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों की सेलेक्शन की गति और उनकी दर में बढ़ोतरी हुई है। आज हम लोग किन कार्यक्रमों के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसमें माध्यमिक शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आपके करकमलों से हम लोग प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत उन विद्यालयों को भी एक धनराशि यहाँ पे आवंटित की है। प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ शिक्षा की माध्यमिक में 3 प्रकार की व्यवस्था है, एक जो पूरी तरह गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था है जो 1989 के पहले निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालय थे, गवर्नमेंट ने उन्हें ऐड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका था, गवर्नमेंट ने उन्हें ऐड प्रदान किया, वे विद्यालय चल रहे हैं, वहां पे शिक्षकों की तैनाती गवर्नमेंट करती है। और तीसरा है जो स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रबंधन का अपना लैंड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी नियुक्ति की प्रक्रिया वे करते हैं। इन तीनों प्रकार की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश के अंदर संचालित है, लेकिन प्रदेश के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जितने भी इंटर कॉलेजेस थे या बालिका गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थे, इनके भवन अत्यंत जर्जर हो चुके थे। हम कहीं जाते थे, कभी वे विद्यालय वहां के एक मॉडल विद्यालय हुआ करते थे, जर्जर हो गए थे, कुछ अनदेखी के कारण भी, क्योंकि बीच का एक ऐसा कालखंड का था जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अंधकार युग था,
उस अंधकार युग से जब उभरे तो अब ये अंधकार युग से केवल सरकारी नहीं उभरी है, इन विद्यालयों को भी उभारना पड़ेगा। और हम लोगों ने हर विद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की कि गवर्नमेंट के हर विद्यालय को गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी, नया भवन बनाएगी, उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम भी करेगी। लेकिन गवर्नमेंट एडेड विद्यालय जो थे, जो निजी प्रबंधन के माध्यम से संचालित थे, गवर्नमेंट वहां पे ऐड देती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने केवल अंधेरा नहीं, ये भी तय कर दिया था कि किसी भी विद्यालय के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी न रहे, जिससे वो कुछ न कर सके। और ये स्थिति थी। दो प्रकार के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा ने किए। सबसे पहले नवागढ़ प्रदेश में एक बहुत अच्छा, यानी स्थिति पिछली सरकार ने एक चीज में महारत हासिल की थी, और अभी जब यहाँ पे भारत सरकार के हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय आज देश के अंदर आना चाहते हैं, उनमें यूपी में भी आना चाहते हैं, पिछली सरकार ने काम किया था, नकल में इतनी महारत हासिल की थी कि मैं देखता था कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अन्य जगहों के बच्चे यहाँ अपना नामांकन कराते थे परीक्षा के लिए। तो मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश में यहाँ के बच्चे नामांकन क्यों करा रहे हैं, क्या यहाँ पे पढ़ाई इतनी अच्छी होती है? तो बहुत सारी जगह हमने देखा कि एक ही क्लासरूम है, उसी क्लासरूम में इंटर कॉलेज भी चल रहा है, उसी में सब कुछ चल रहा है, आईटीआई भी उसमें चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और वो सेंटर भी हो जा रहा है। हमने कहा सेंटर होता कैसे है, एक ही क्लास में एक क्लासरूम है, उस क्लास में इतने सब कुछ कैसे हो रहा है? जांच कराई गई, पता लगा सब फेक है। तो हमने कहा ये जो बाहर के बच्चे आते हैं, उनका नामांकन होता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, परीक्षा कैसे देते हैं? कहा सब सौदेबाजी पहले से इनकी सब तय हो जाती है। सख्ती से उसको रोका गया, नकल माफिया में लगाम कसी गई। सेंटर वही विद्यालय होगा जिसके पास अपना भवन होगा, मान्यता उसी को मिलेगी जिसके पास लैंड भी होगी, अपना भवन भी होगा और शिक्षक भी होंगे। केंद्र वही बनेगा जिसके पास अपना भवन भी हो, अपना लैंड भी हो, अपना भवन भी हो, अपनी बाउंड्री वाल भी हो, और साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी उसके साथ जुड़ेगा।